एनसीपी नेता अजीत पवार की बगावत के बीच शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अजीत पवार के फैसले पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, मुझे छोड़कर जाने वाले पहले भी चुनाव हार चुके हैं, पूरा खेल 3 महीने में बदल दूंगा। अजीत पवार के साथ जो भी विधायक गए हैं वो भी वापस आ जाएंगे, मुझसे किसी भी विधायक ने बात नहीं की। ये सब मेरे लिए नया नहीं है, पहले भी ऐसा देखा गया है। राज्य में सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, जो छोड़कर गए हैं उनमें से किसी से भी मेरी कोई बात नहीं हुई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का कहना है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को उन विधायकों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार है जिन्होंने कल महाराष्ट्र कैबिनेट में शपथ ली थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास पहले विधायकों के जाने के 2-3 पुराने अनुभव है, आगे नतीजे अच्छे होंगे। अजित पवार खेमे से कई लोगों ने मुझे फोन किया और कहा कि उनकी विचारधारा एनसीपी से अलग नहीं है और वे अगले कुछ दिनों में अंतिम फैसला लेंगे। साथ ही शरद पवार ने अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उनके भतीजे अजित पवार की बगावत को उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं है। पवार ने कहा, ये कहना एक तुच्छ बात होगी, केवल कम बुद्धि वाले लोग ही ऐसा कह सकते हैं। शरद पवार ने कहा कि मैं राज्य के दौरे पर निकला हूं और कार्यकर्ताओं को प्रेरित करूंगा। कुछ नेताओं ने जो किया है उससे उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।